पानसिमल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत प्रणाली के वनग्राम खामघाट के ग्रामीणों ने पानसिमल विधायक श्याम बरडे के कार्यालय पर विधायक से भेंट कर उन्हें भवन निर्माण और मार्ग निर्माण शीघ्र कराने हेतु पत्र सौंपा, जिसको लेकर विधायक श्याम बरडे ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि भवन निर्माण की स्वीकृति की जानकारी उन्हें मिली है, लेकिन संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने के बाद वे बता पाएंगे। उन्होंने विधानसभा में भी इस विषय को लेकर प्रश्न उठाया। विश्वविद्यालय भवन निर्माण को लेकर स्वीकृति कहां पर रुकी है, इसकी भी चर्चा करने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। विधायक द्वारा ग्राम पंचायत वांगरा के चौटियापानी में सामुदायिक भवन के लिए करीब 20 लाख रुपए की राशि विधायक निधि से दी गई, जिसका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, जहां पर विद्यालय भवन नहीं होने से विद्यालय अन्य भवन भी लगाया जाता है। नाम राय सिंह है, खामघाट के पटेल हूँ। तो आज ये स्कूल के बारे में सर के विधायक अपने विधायक के पास आया था मैंने, को हमारे स्कूल के बारे में परेशानी है, तो अभी तक स्कूल में बहुत सारा आवेदन भी रहा था, उसको विधायक साहब के बोलना ही है मैंने को तुम्हारे विधानसभा आज बढ़वाने जाना है मेरे को, तो उसको बोलेंगे अधिकारी से बात करेंगे, तुम्हारा हाल ये समस्या दूर करवाएंगे, ऐसा बोले थे विधायक साहब ने। रोड के बारे में बोला था मैं आंगनबाड़ी के और स्कूल के बारे में, तीन चीज़ बताया हमें। हमारे पास तो कम से कम 13-14 साल हो गए स्कूल ऐसा झपड़ी में पड़े, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, कहीं रोड भी नहीं है और स्कूल भी नहीं है, और कहीं ज़्यादा बीमार हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है, तो उसके कम से कम 5-6 किलोमीटर झोली बांध के आना पड़ता है, कोई रास्ता भी मर गई है, कोई ज़्यादा बीमार हो गए सर, कितने बार हो गए सर, मैं बहुत आवेदन दे चुके हैं, जिला भी दिए, अपने जनपद में दिए, सरपंच से कोई बोल चुका है, कुछ हमारे सुनवा नहीं हो रहा, अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा। अपने पानसिमल विकास खंड के अंतर्गत एक खामघाट करके हमारा वन ग्राम है, वहाँ पर विद्यालय संचालित है, लेकिन विद्यालय नहीं है ये जानकारी मुझे भी लगी है। जैसे अभी विद्यालय की जानकारी मुझे लगी थी, मेरी विधानसभा पहली विधानसभा चली 17 फरवरी, 14 फरवरी को मैंने एक याचिका दायर करी थी विधानसभा में कि मेरे विकासखंड में एक खामघाट स्कूल है, वो आज तक भवन नहीं बना, तो तुरंत वहाँ से भवन की स्वीकृति मिल गई है, लेकिन वो वन ग्राम होने के कारण फॉरेस्ट विभाग से थोड़ी सी मामले फाइल अटकी हुई है, वहाँ से परमिशन अनुमति मिलते ही वो भवन निर्माण चालू हो जाएगा। सर अन्य और आंगनवाड़ी के लिए भी आपने कुछ याचिका लगाई? देखिए मेरा जो विधानसभा है पूरा ट्राइबल है, और यहाँ पर हमारे ग्रामीण के कहीं गांव ऐसे है जहाँ पर आंगनवाड़ी संचालित है, लेकिन कुछ गाँव आज भी वहाँ पर कुछ बिल्डिंगें नहीं है, उसको लेकर भी मैंने इस बार जो मेरी विधानसभा होने वाली है 119 जुलाई को, उसमें मैंने अभी से जो ऑनलाइन हमारे जो याचिका लगती है मैंने ऑनलाइन याचिका दायर कर दी है विधानसभा में, निश्चित उठाऊंगा मैं, और हमारे क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी भवन बन गए हैं, कितने शेष है, और जो शेष है उनको पूरा कराने का काम करूँगा मैं। सर मार्ग निर्माण को लेकर भी आपने आश्वस्त किया है? वो मार्ग निर्माण को लेकर भी मैंने जो इनका रानी काजल से लेकर खामघाट वाई मोरानी जो कि 9 किलोमीटर के लगभग का इनका कच्चा मार्ग है अभी, उसको लेकर भी मैंने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को, उसको भी निश्चित में बहुत जल्दी उसको भी पूरा कराने का काम करूँगा।